हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे एलईडी टीवी पर, तो देखते हैं इसमें खराबी क्या है। सबसे पहले ये हो गया हमारा एलईडी टीवी, इसको हम लाइनिंग देते हैं। ये हो गया हमारा लाइनिंग का प्लो, इसको लाइन दिए। और ये हो गया हमारा एलईडी बत्ती, लाइन दे दे, लेकिन पावर एलईडी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ खराबी है। एक बार और लाइन पर निकाल कर फिर से लगाते आता है कि क्या, फिर लाइन इन दिए लेकिन अभी भी एलईडी बत्ती पर लाइन नहीं आया हुआ, बत्ती नहीं जल रहा है। इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई भी ख़राब हो सकता है, आउटपुट पर भी ख़राब हो सकता है। तो चलते हैं और देखते हैं खोल कर इसको। तो फ्रेंड्स, हमने टीवी को कैबिनेट को ओपन कर दी है और देखते हैं इसमें खराबी क्या है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले फिजिकली देखेंगे हम क्या खराबी है इसमें। फिजिकली तो कोई हमारा कैपेसिटर उपसीटर डैमेज तो नहीं है। तो देखते हैं इसमें पावर सप्लाई का, तो कैपेसिटर ठीक है, इधर तो डैमेज नहीं है, इधर कोई फूटा उटा तो नहीं है, नहीं है। आउटपुट पर देखते हैं, ये क्या हो गया, ये कैपेसिटर हमारा क्या हो गया है, तो फूल गया है, ऊपर से फूल गया है। ये आउटपुट का जो 12 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए लगा है वो फूल गया है। तो इसको रिप्लेस कर देखेंगे और देखते हैं पहले लाइन में लगा के हमारा इनपुट वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम प्लो को, ये प्लो के गया हम इनको इन कर दिए, लाइन दे दिए। अब देखते हैं वोल्टेज हमारा इनपुट में आया है कि नहीं आया है। तो एक बार डायरेक्ट 250 से 300 वोल्टेज आता है कैपेसिटर पर, उसी कैपेसिटर पर हम चेक करते हैं। हमारा इनपुट वोल्टेज एकदम ओके है, 295 वोल्टेज दिखा रहा है, इनपुट ओके है। अब देखते हैं कि डायरेक्ट आउटपुट पर, यह हमारा मीटर हो गया ऐसे, ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया पॉजिटिव वाला पिन हमारा, इस पर भी वोल्टेज ओके है, 12 वोल्टेज शो कर रहा है, फिर भी हमारा ये एलईडी बत्ती नहीं जल रहा है। इसका मतलब हमारा आउटपुट सेक्शन में कुछ ना कुछ खराबी होगा। तो सबसे पहले एक बार और देखते हैं कि इसमें कोई फिजिकली कोई कुछ खराब तो नहीं है। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया रेगुलेटर आईसी, जो कि ये चार रेगुलेटर आईसी हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लगभग 5 वोल्टेज आउट करने वाला, 12 वोल्टेज इन होकर 5 वोल्टेज आउट करता है ये वाला। ये हमारा क्या हो गया, तो ब्लास्ट हो गया, फूट गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्रेश कर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले रिफ्रेश कर चेंज कर देखते हैं पहले। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं और चेंज करते हैं। सबसे पहले इसको लाइन आउट कर दिए और देखते हैं रिफ्लेश कर। ओके, तो चलते हैं रिफ्लेश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस आईसी को निकाल दिए, ये हमारा रेगुलेटर आईसी है, कहाँ गया, ये हमारा रेगुलेटर आईसी है जो कि 12 वोल्ट इन होकर 5 वोल्टेज आउट करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा, ये हमारा यूनिवर्सल किट है, इसमें 12 वोल्ट इस पर इन होता है और 5 वोल्टेज ये आईसी आउट करता है। तो क्या करेंगे हम इसको निकाल कर देखते हैं। तो चलते हैं इसको निकालते हैं।
तो फ्रेंड्स हम निकाल लिए हैं रेगुलेटर आईसी को जो यूनिवर्सल बोर्ड पर था। तो ये 12 वोल्ट इन होता है पिन नंबर 2 से और आउट करता है पिन नंबर 3 से, 5 वोल्टेज आउट करता है। तो चलते हैं इसको फिर हम लगा कर देखते हैं इस मदरबोर्ड पर। तो ये हो गया हमारा और फिर से हम लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं और देखते हैं फिर लगा कर। तो फ्रेंड्स आईसी तो हम लगा दिए, तो अब चलते हैं और लाइन लगा कर देखते हैं। ये हो गया हमारा प्लग और इसको हम इन करते हैं, इन कर दिए और वोल्टेज चेक करते हैं हमारा 5 वोल्टेज आउट हुआ कि नहीं हुआ। तो चेक करते हैं वोल्टेज ट्रांस क्वाइल के, इस पर नहीं आया, इस पर नहीं आ रहा है। पहले देखते हैं 12 वोल्टेज इन हमारा है कि नहीं है। 12 वोल्टेज इन है लेकिन 5 वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है। पिन नंबर 2 पर देखते हैं इनपुट वर्क नहीं हुआ हमारा वोल्टेज। पिन नंबर 2 पर इनपुट नहीं है, यहाँ पर आ रहा है 12 वोल्टेज, यानी कि पिन नंबर 2 पर इनपुट वोल्टेज है नहीं है, ट्रैक टूटा हुआ है। तो क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले ट्रैक को जोड़ते हैं। तो चलते हैं इस ट्रैक को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले प्लग आउट कर दिए और जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम जम्फर तो मार दिए और देखते हैं फिर लाइन इन देकर। लाइन इन दे दिए, अब देखें फ्रेंड्स हमारा LED बत्ती ऑन हो गया, इसका मतलब 5 वोल्टेज हमारा बन गया होगा। तो चेक करते हैं एक बार, आगे हमारा 5 वोल्टेज 4.2.5 वोल्टेज, तो हमारा लगभग ये काम बन गया लगता है। तो चलते हैं टीवी को सबसे पहले ऑन करते हैं, इसको हटाते हैं और पावर की को प्रेस करते हैं। पावर की भी हमारा प्रेस हो गया, डिस्प्ले के बैक लाइट भी ऑन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स ये आ गया है, लगता है कि हमारा टीवी ओके हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा टीवी ओके हो गया है, इसमें नो सिग्नल आ गया है, डिस्प्ले पर लाइट आ गया है। इसको आप, तो फ्रेंड्स हमारा टीवी ओके हो गया। सिर्फ इस पे खराबी था क्या, तो ये 5 वोल्टेज वाला 5 वोल्टेज का रेगुलेटर आईसी, इसमें एक है कंडेंसर, तो इस कंडेंसर को भी हम चेंज कर कस्टमर को दे देंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।